हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 11 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका क्लास इनहेरिटेशन के बारे में कि किस तरीके से आप क्लास इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, एडवांस जावास्क्रिप्ट की टोटल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लेंगे गाइस। चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले आपका क्लास के बारे में, व्हाट इज अ क्लास इनहेरिटेंस। ओके, यहां पे इंट्रोडक्शन रखा है मैंने। इनहेरिटेंस एनेबल्स यू टू डिफाइन अ क्लास दैट टेक्स ऑल द फंक्शनैलिटी फ्रॉम अ पेरेंट क्लास एंड अलाउ यू टू एड मोर। इट मींस इसका मीनिंग जो आपका सेपरेटली निकल के आ रहा है ना, इट मींस कि मानिए मेरे पास में दो तीन क्लासेस हैं, ओके, एंड दो तीन क्लासेस के मेरे को ना सारे फंक्शंस यूज करने, मेथड्स यूज करने हैं, वो कैसे है? तो वो ही चीज यहां पे करते हैं हम। इससे प्रीवियस वाले मैंने आपको ऊप्स के अंदर मैंने क्लास और मेथड्स पढ़ाए थे, राइट, उसी का ये एक्सटेंडेड है। इट मींस कि उसी के और डीप जा रहे हैं हम थोड़ा सा। एंड इसके बाद देखिए यहां पे, यूज क्लास इनहेरिटेंस, अ क्लास कैन इनहेरिट ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अनदर क्लास, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद में नेक्स्ट, इनहेरिटेंस इज अ यूजफुल फीचर एंड अलाउ कोड रीयूजिबिलिटी। ओके, इट मींस कि बार बार एक ही कोड को डिफाइन कर दिया और उसको मैं बार बार यूज कर सकता हूं। तो ये था सिंपल सा, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आप समझा सकते हैं कि व्हाट इज अ क्लास इनहेरिटेंस। ओके, इसमें मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी प्रीवियस में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए कि किस तरीके से आप इसको करते हैं, मेथड क्या है इसका, मेथड एंड प्रॉपर्टी जो चलती है आपकी, वो कैसे। तो देखिए, एक क्लास है मानिए, उस क्लास की मेरे पास में प्रॉपर्टी एंड मेथड्स है। एंड सेम थिंग मेरे पास में एक और क्लास है जिसका नाम बी रखा है मैंने, उस पर प्रॉपर्टी एंड मेथड्स है। अब इन दोनों को मेरे को आपस में मर्ज करना है, जो कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, मर्ज करना या फिर एक्सटेंड करना, इसको मैं कैसे पॉसिबल कर सकता हूं। तो जब कभी भी हम इन दोनों फंक्शन को एक साथ यूज करेंगे ना, उस टाइम पे ये मेथड कॉल होगा आपका इनहेरिटेंस। ओके, कैसे काम करता है ये देखिए, जब ये हम इस मेथड को यूज करेंगे, ये थ्योरी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम दो क्लासेस को मर्ज करेंगे आपस में या एक्सटेंड करेंगे, उस टाइम पे जो पहले नंबर की क्लास होगी वो होगी हमारी बेस क्लास, एंड जो सेकंड क्लास होगी वो होगी हमारी डाइवर्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी क्लासेस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैंने दो ही एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो दो क्लास के साथ आप कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल पे आप ले जा सकते हैं इन सारी चीजों को। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, कि किस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए, सपोज मेरे पास में बेस है, मेरे पास में बेस क्लास मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने बेस रखा हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज प्लस मेथड्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वाले में आपको समझाया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेरे पे एक और क्लास है, बट मैं चाहता हूं कि जो मेरी बेस क्लास है, मानिए कि जो कॉमन क्लास है, उसके अंदर कुछ फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज मैंने ऐसी यूज कर रखी है जो कि मेरे को अनदर किसी अदर फंक्शन के अंदर यूज करनी है, तब हमारे को यहाँ पे मिलता है एक्सटेंड्स। ओके, अब एक्सटेंड्स यूज करने के बाद में हम ऊपर वाली क्लास का फंक्शन का यहाँ पे नाम दे देंगे, दैट्स इट। फिर ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि ऊपर की क्लास का जितने भी चीजें होंगी ना, इट मींस कि पेरेंट के पास जो भी होगी चीजें, वो अपने चाइल्ड्स को यहाँ पे नीचे दे देगा, इट मींस कि सेकंड क्लास को। इसी को बोलते हैं आपका क्लास इनहेरिटेंस। ओके, अब इसके बाद में आप देखेंगे चलेगा कैसे, चलने का आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि न्यू ऑब्जेक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें चलती हैं। ओके, तो ये है आपका मोटा मोटा थ्योरी। अब ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि ये वर्क कैसे करती है। तो चलिए यहां पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको समझते हैं गाइस। सो गाइस, यहां एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है, पार्ट 11 जावास्क्रिप्ट क्लास इनहेरिटेंस .html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा आपका ये, एंड यहाँ पे ये फाइल है और यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे पता है मैंने एक क्लास फाइल बना रखी है, मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मानिए स्कूल है, ठीक है, स्कूल नाम से मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ और इसके अंदर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कैसे चल जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्मल अपने आप ही, इसको कॉल करवाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही रन होता है। ओके, ये सारी चीजें मैंने पिछले वाली में कवर कर रखी है, अगर नहीं देखी आपने तो आपको देखनी चाहिए और बेहतर आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये है हमारा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल बस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए, मानिए ए ले लेते हैं और यहाँ पे स्कूल को कुछ इस तरीके से कॉल करवा देते हैं। इट मींस कि न्यू ऑब्जेक्ट मैंने बना के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, अभी कॉल नहीं करवाया, स्टोर करवाया बस। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे यहां पे कंस्ट्रक्टर एंड स्कूल यहां पे कंसोल में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये था वो मेथड जो कि मैंने प्रीवियस वाले में आपको समझाया था। अब समझिए कि यहां पे क्लास इनहेरिटेंस कैसे काम करता है।
तो यहां पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पे एक और क्लास बनाएंगे हम। देखिए कैसे, यहां पे मैं क्लास लेता हूं और मैं बना देता हूं यहां पे प्रोफेसर से रिलेटेड, ठीक है, प्रोफेसर एंड एक्सटेंड्स लगाएंगे जो मैंने अभी आपको थ्योरी के अंदर बताया था। एंड मैं यहां ले लेता हूं स्कूल, जो ऊपर वाला बेस है ना उसको मैं यहां पे कॉल करवा लेता हूं और इसको एम्प्टी छोड़ देता हूं अभी, ठीक है। इट मींस मैंने यहां पे करा क्या, मैंने यहां पे एक क्लास बनाया जिसके अंदर मैंने यहां पे कंसोल रखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने यहां पे करा क्या कि यहां पे मैंने एक क्लास बनाया एक और, उसमें मैंने एक्सटेंड लगाया, ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहां पे वो दे दी क्लास का नाम जो यहां पे मैंने ऊपर डिफाइन करा, जिसका भी मेरे को फंक्शन कॉल करना है, इट मींस कि जो भी मेरे को यूज करना है वो, ठीक है। तो यहां पे ये चीज हो गई। इसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहां से डायनेमिक वैल्यू भेजूंगा, इट मींस कि डायनेमिक थिंग्स रखेंगे हम यहां पे। स्कूल तो हो गया, अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इतनी चीज भी अभी सेव कर दूं तो वही आ रहा है। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहां पे इसको कॉपी करूंगा मैं, ठीक है। अब स्कूल नहीं होगा, यहां पे मैं इसको करूं प्रिंट, कर दूं सेव, एंड सेव करने के बाद अभी भी आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको कॉल होता हुआ दिख रहा होगा, जबकि मैंने कॉल क्या करा, अभी मैंने यहां पे क्लास को कॉल करा एंड क्लास के अंदर क्या था, प्रोफेसर था, एंड प्रोफेसर के एक्सटेंड में हमने स्कूल को रखा था और स्कूल में हमने कंसोल ये लगाया था। अब देखिए इसको और समझने के लिए देखिए एक चीज और करता हूं मैं, यहां पे कंसोल को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैं यहां पे गवर्नमेंट कर देता हूं, इट मींस कि स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट, करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको देखने को ही नहीं मिला। अब ये क्यों नहीं मिला आपको, ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि ये देखने को क्यों नहीं मिला। अब मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको क्या समझाया था, जब कभी भी हम डायनेमिक वैल्यू देते हैं तो उसको पैरामीटर से गेट करना पड़ता है। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पैरामीटर का जो भी आपको नाम देना है, नेम, जैसे मैं नेम दे रहा हूं, एंड मैं इस कोट्स को हटा के यहां पे आपका टेम्पलेट स्ट्रिंग बना रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है इस सीरीज के अंदर, ठीक है, शुरुआत में ही, कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और यहां पे मैं करवा दूंगा नेम को प्रिंट, करूंगा मैं सेव एंड सेव, जैसे ही करूंगा मैं सेव एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे यहां पे कि आपका कंस्ट्रक्टर स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट यहां पे आपको दिख रहा होगा, जो कि हमने यहां पे डायनेमिक भेजा है। और भेजा भी किस में हमने भेजा, हमने इसके अंदर था, ठीक है, इसके अंदर प्रोफेसर के अंदर, और प्रोफेसर में तो हमारा कुछ भी नहीं है, प्रोफेसर तो हमारा एम्प्टी है। बट एम्प्टी होने के बाद भी हमने यहां पे रखा क्या था, हमने एक्सटेंड करा था स्कूल वाले क्लास के साथ में, और स्कूल के अंदर हमने यहां पे क्या करा, आपका कंस्ट्रक्टर रखा जिसमें एक पैरामीटर रखा नेम, एंड कंसोल रखा था हमने, और कंसोल के अंदर हमने उसको पैरामीटर को प्रिंट करवा रखा था। दैट्स व्हाई कि ये आपका यहां पे वर्क कर रहा है, ओके। अब इसके बाद में आपका अगर एक क्वेश्चन और होगा कि अगर मैं दोनों को, इट मींस कि कंस्ट्रक्टर दोनों में यहां पे मैं यूज करना चाहूं तो ये पॉसिबल है क्या, तो देखिए अगर मैं इस चीज को करूंगा यहां कॉपी, ठीक है, एंड मैं यहां कर दूं पेस्ट, एंड इसके बाद मैं करूं सेव, तो सेव करने के बाद आपको यहां पे देखेंगे कि हमें एरर देखने को मिल गया, ठीक है, मस्ट कॉल सुपर, ओके। अब यहां पे क्या है, सुपर आपका कीवर्ड है, ठीक है, ES6 के अंदर ही ये आपका आया है, जब ऊप्स के बारे में जो आपको बता रहा हूं क्लास से रिलेटेड। तो इस क्लास के अंदर जब कभी भी हमें दो क्लासेस है हमारे पास में, और जब हमें दोनों की क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज करना है या फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, जो भी उसके अंदर मेथड्स, जो भी हमने फंक्शंस बना रखे हैं, उस टाइम पे हमें सुपर का यूज लगता है। आप सुपर जैसे मैं लगाऊंगा तो देखिए चल जाएगा, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सुपर लिखता हूं, ठीक है, एंड सुपर लिखने के बाद में अब मैं यहां पे ना ये हटा के टीचर कर देता हूं। देखिए दो डिफरेंट कंसोल्स हैं हमारे पास में अभी, ओके। अब देखिएगा मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं कर दूंगा अपना नाम, ये भी डिफरेंट है हमारा। अब जैसे मैं करूंगा सेव, एंड सेव करते ही आप देखेंगे कि ऊपर वाले में जो हमारा पहले वाला था वो अब कॉल नहीं हो रहा, उसमें आप देखेंगे अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, उसमें वैल्यू पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हमने अब क्या करा कि यहां पे इस वाले को यूज कर लिया। जब कभी भी, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम क्लास इनहेरिटेंस यूज करेंगे और उसके अंदर अगर हमारे पास में जिसमें भी हमने एक्सटेंड कराया और दोनों प्रॉपर्टी सेम है, इट मींस कि आपका कंस्ट्रक्टर सेम है और आपने सेम फंक्शन डिफाइन कर रखे, तो वो आपका लास्ट वाला फंक्शन कॉल करेगा। ये आपने देखा ही होगा, जो सिंगल स्टेटमेंट चलती है आपके सिंगल थ्रेड्स जावास्क्रिप्ट में, लास्ट वाले को ही कॉल करेगी, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी, कि आप समझ गए कि किस तरीके से आपको यूज करना है जब कभी भी आपको सेम सेम आपको मेथड्स बनाने हैं, फंक्शन बनाने हैं तब। अब देखिए यहां पे कि इसी चीज को जो मैंने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था तब कैसे चल रही थी चीजें, ठीक है, और इसी में आपको क्या है कि अगर ये यूज नहीं करेंगे तो आपने एरर देखा कि एरर कैसे मिल रहा था। तो देखिए नेम के लिए मैं आप क्या करूंगा, यहां पे नेम के लिए मैं दिस लिखूंगा, डॉट लिखूंगा मैं यहां पे, एंड डॉट के साथ में मैं क्या करूंगा यहां पे मैं प्रो टाइटल कर देता हूं, देखिए प्रो टाइटल एंड इज इक्वल टू नेम, ये मैंने यहां पे असाइन कर दिया इसको, और यहां पे मैं क्या करूंगा दिस डॉट प्रो टाइटल हो जाएगा आपका, ये देखिए ये चीज हो गई। एंड यहां पे भी आपका दिस
डॉट प्रो टाइटल हो जाएगा। अब बताएं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये मैंने प्रीवियस वाली क्लास में समझाया था आपको, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए दोनों में अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि यहां पे अभी हम कर क्या रहे हैं, यहां पे अब हमारे को ये क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको यूज ही नहीं करना, मानिए मेरे पास में ये है ही नहीं, ठीक है, इसमें हमें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही आपने देखा मैंने इसको डिलीट करा, तभी तो हमारा ऊपर वाला चला। अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको समझाया ना, जो आपका लास्ट थ्रेट होगा, इट मीन्स कि लास्ट कोड का स्टेटमेंट होगा और वो डिट्टो सेम है, तो वो आपका लास्ट वाला पिक करेगा, ना कि वो पहले वाला पिक करेगा। अभी जैसे ही आपने देखा मैंने इसे करा डिलीट, डिलीट करने के बाद में वो वहां पे प्रिंट हो गया, मेरा नाम यहां पे प्रिंट हो भी रहा है। अब मैं इसके अंदर आपको एक और चीज करके दिखाता हूं कि मानिए मैंने यहां पे कोई मेथड्स बना लिए, जो मैंने आपको कल मेथड्स बताए थे ना, मैं उनमें से एक मेथड्स बना रहा हूं और एक कंसोल ले लेता हूं मैं, ठीक है। इस कंसोल को लाने के बाद में आप यहां पे देखेंगे कि मैं यहां पे दिस डॉट प्रो टाइटल यहां पे अभी भी प्रिंट होने देता हूं। आप बताएं ये प्रिंट होगा? तो अगर मैं ये चीज को बता दूं, इसका जो नाम था प्रोटोटाइप था, जो कि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ाया था आपको, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी भी प्रिंट नहीं हुआ। इसको प्रिंट करने का मैंने क्या तरीका आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, जब कभी भी कुछ इस तरीके से आप मेथड्स डिफाइन करते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, ए लगाना है, डॉट लगाना है, और जो भी आपके मेथड्स का नाम होगा वो मेथड का नेम एंड पैराथिनिस दैट्स इट, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे देखिए एक कंसोल में कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था मैंने, दूसरे में मैंने यहां पे प्रोटोटाइप लिखा हुआ था, दोनों यहां पे कॉल हो रहे हैं, वो भी डायनेमिक वैल्यू यहां पे मैं पास कर रहा हूं, दैट्स व्हाई वहां पे पहुंच रही है वो वैल्यू, ओके। तो ये देखा आपने कि प्रीवियस वाले को भी थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया यहां पे इसी के अंदर, तो ये चीज तो हो गई। अब एक सिनेरियो और मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि मानिए मैंने ऊपर स्टूडेंट्स नाम का मेथड्स मैंने डिफाइन कर दिया, और आपके पास में यहां पे एक्सटेंडेड, जिसमें एक्सटेंड कर रहे हैं हम आगे यहां पे, उसी में मैं इसी फंक्शन को डिफाइन कर दूं दोबारा, तो क्या होगा? अगर मैं यहां पे करूं कॉपी, अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया था ना कि नहीं चल रहा था वो, तो होगा क्या यहां पे? अब मैं क्या करता हूं, यहां पे स्कूल रहने देता हूं और यहां पे मैं इसको टीचर कर देता हूं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इससे पहले अभी तक ये वाला मेथड चल रहा था, बट जैसे मैंने इसी के अंदर दोबारा इसी चीज को मैंने डिफाइन कर दिया, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि टीचर आ गया यहां पे, ठीक है, प्रोटोटाइप टीचर भास्कर गुप्ता, बट यहां पे तो स्कूल लिखा हुआ था मैंने इससे पहले। अब आप चाहेंगे कि नहीं मेरे को तो ये भी यूज करना है और ये भी यूज करना है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? इसकी पॉसिबिलिटीज देखिए कैसे हैं। सुपर हमें मिलता है जो कीवर्ड रिजर्व्ड है, डॉट लगाएंगे हम इसके साथ में, जो भी मेथड्स का नाम आपने डिफाइन कर रखा है उसको आप यहां पे पास कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे ऊपर वाले को पास कर दिया। अब मैं इसके बाद करूंगा सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि यहां पे आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर स्कूल भास्कर गुप्ता दिख रहा होगा, ठीक है, एंड देन इसके बाद में यहां पे सेकंड नंबर पे आपको ये दिख रहा होगा, थर्ड नंबर पे आपको ये। अगर आप बोलेंगे तो अब इसको मैं क्या कर देता हूं, 1-2 का नंबर दे देता हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें दिख रहा है आपका 1 हमने यहां पे दिया हुआ है, 2 इसको दिया हुआ है, और ये सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है। आप चाहते हैं सीक्वेंस को चेंज करना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, तो आप कुछ मत करिए, इसको उठाइए यहां से और चेंज कर दीजिए। ये देखिए चेंज हो गया आपका, इट मींस कि आपका पहले ये वाला मेथड चलेगा, इस मेथड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेगा, उसके बाद में आपका ऊपर वाला जो भी आपका क्लास के अंदर मेथड जो भी आपने डिफाइन कर रखा है और जिसको सुपर में आपने डिक्लेयर करा है वो चलेगा यहां पे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सेकंड पहले चल गया, 1 बाद में चल रहा है, ठीक है। ये है आपका क्लास इनहेरिटेंस, इसको यूज करें गाइस, जितनी भी इसके अंदर मैंने चीजें आपको बताई और जितनी पीछे मैंने बताई थी वो सारी कनेक्ट है, ठीक है, इंटरकनेक्ट है आपस में, प्रैक्टिस करें उसकी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका मॉड्यूल्स को कि किस तरीके से इसे यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।